गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लास्ट में हमने कंप्लीट किया एलपीजी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमी रिफॉर्म, चार नाम एक बात, सब अच्छे अटेंडिव है, थैंक यू। एलपीजी, जीपीएल, इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म। जैसा कि आपने प्रॉमिस किया था, चैप्टर थ्री, चैप्टर टू, चैप्टर वन हम लोग पहले कर चुके हैं, हम तो रिवीजन कर रहे हैं। चैप्टर थ्री हो गया, चैप्टर टू की बारी है, दो क्लासेस, चैप्टर वन, फिर हम लोग वापस आ जाएंगे मैक्रो पे। मैक्रो समाप्त करेंगे, हम लोग कर चुके हैं नेशनल इनकम, बैकअप मिलेगा, इनकम डिटरमिनेशन, मनी बैंकिंग। नेशनल इनकम डन टिप्स पे, इनकम डिटरमिनेशन डन टिप्स पे, मनी बैंकिंग डन, रहता है बजट, पीओपी फॉरेन एक्सचेंज। चैप्टर टू, अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूं, ये तीन चैप्टर्स आपस में रिलेटेड है। चैप्टर वन में पढ़ते हैं हमारी इकोनॉमी कैसे थी ईव इंडिपेंडेंस में। देखिए जी, ये तीन चैप्टर्स कैसे इंटररिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, 47 में देश कैसे था। दूसरा पार्ट 1950 से लेकर 90 तक कैसा था, 90 से लेकर अभी तक कैसा है। ये तीन चैप्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के। तीन चैप्टर, फोर पॉवर्टी, फाइव ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट, इंडिया चाइना पाकिस्तान, ये रिमेनिंग चैप्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी के। एक बार गिनना, गिनो। चैप्टर फोर पॉवर्टी, फाइव एचसीएफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सिक्स रूरल डेवलपमेंट, सेवन एम्प्लॉयमेंट, एट एनवायरमेंट, नाइन 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 नाम भूलगा, नाइन, टेंथ इंडिया चाइना पाकिस्तान, इंफ्रास्ट्रक्चर, थैंक यू, इंफ्रास्ट्रक्चर। चैप्टर फोर पॉवर्टी, चैप्टर फाइव एचसीएफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सिक्स रूरल डेवलपमेंट, सेवन एम्प्लॉयमेंट, एट इंफ्रास्ट्रक्चर, नाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट और इंडिया चाइना पाकिस्तान, ये हमारे चैप्टर्स हैं जी। किसी टॉपिक को डिलीटेड तब मानते हैं जब सीबीएसई हटाए, एनसीईआरटी हटाए, प्राइवेट पब्लिकेशन हाउस वाले नहीं। किसी टॉपिक को डिलीटेड तब मानेंगे जब हटाया जाए बाय एनसीईआरटी, सीबीएसई। किसी बुक वाले ने हटा दिया वो नहीं मानेंगे। चैप्टर वन ईव इंडिपेंडेंस में हमारा इकोनॉमी कैसे था, चैप्टर टू 50 से लेकर 90 के बीच में हमारा कंट्री, और ये हमारा था एलपीजी, 91 से अभी तक हमारी इकोनॉमी, ये कर लिया। आज बारी है चैप्टर टू की। चैप्टर टू पहले ओवरव्यू लिखता हूं फिर कहानी शुरू करता हूं। इस चैप्टर में तीन पार्ट में क्वेश्चंस हैं, सर अभी लिखिए मत, ये चैप्टर तीन पार्ट में है, लर्न करना आसान हो जाएगा। चैप्टर टू इकोनॉमिक प्लानिंग, फाइव ईयर प्लान, एक ही बात है जी, इकोनॉमिक प्लानिंग, फाइव ईयर प्लान, एक ही बात है जी। ये चैप्टर बेटा तीन पार्ट में होता है, पहला पार्ट है जी इकोनॉमिक प्लानिंग, फाइव ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना क्यों बनाते हैं। सुन, राइटिंग बंद है, तीन पार्ट, इकोनॉमिक प्लानिंग, फाइव ईयर प्लान क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव, कहां पे सक्सेस, कहां पे फेल। फाइव ईयर प्लान क्यों बनाते हैं, कहां सक्सेस हुए, कहां फेल हुए, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट,
इसमें तीन, इसमें तीन, इसमें चार, टोटल 10 क्वेश्चन है। अगर टीचर करवा रहा है 11th क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स करवा रहा है, तीन तीन छह चार दस, 10 क्वेश्चन है। अगर मैं भी 11th करवा रहा हूं, फालतू करवा रहा हूं जी, याद करेंगे। थैंक यू। अब क्लास स्टार्ट हुई है। क्या बेटा आवाज नहीं आई? इकोनॉमिक प्लानिंग, 5-year प्लान, ऑब्जेक्टिव क्यों बनाते हैं, कहां सक्सेस हुए कहां फेल हुए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये तीन हो गए ना, 1, 2, 3, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, पहला ग्रीन रेवल्यूशन, ग्रीन रेवल्यूशन वन, दूसरा सब्सिडी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, तीसरा लैंड रिफॉर्म। ग्रीन रेवल्यूशन वन, सब्सिडी किसानों को देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, उस पर एक डिबेट, लैंड रिफॉर्म, ये जमींदारी खत्म करी उसको लैंड रिफॉर्म बोलते हैं, तीन। इंडस्ट्री के लिए क्या करा गया, इंडस्ट्री के लिए क्या किया गया, इसमें चार क्वेश्चन है जी। पहला क्वेश्चन, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 56, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 56, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक रूपरेखा तैयार हो गई। जाए भाई ध्यान देना, इसके अलावा मैं भी करवा रहा हूं, फालतू करवा, टाइम पास करवा रहा हूं, याद कर। अब ये क्वेश्चन है 10 इस चैप्टर में, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, क्या लिखा है, मतलब जो बच्चे आते हैं वही जवाब देते हैं, तू तो टाइम पास करने आया है। इकोनॉमिक प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव क्यों बनाया, कहां पास कहां फेल, एग्रीकल्चर में तीन काम मेन है हमारे कोर्स में, ग्रीन रेवल्यूशन, सब्सिडी देनी नहीं देनी, लैंड रिफॉर्म, ये जो जमींदारी खत्म करा, इंडस्ट्री में इसमें तीन, इसमें तीन, इसमें चार, इंडस्ट्री में चार है बेटा। पहला रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, सुनो सुनो, 91 में प्राइवेट को आने दिया, इससे पहले गवर्नमेंट की चलती थी, या सर नो सर, प्राइवेट को आने दिया गया एलपीजी में, 91 से पहले गवर्नमेंट की चलती थी, रेल, अटोमिक, रिजर्वेशन, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, आईपीआर 56, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, आईपीआर की फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 56, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, ये फ्लो चार्ट याद करेंगे, फिर सचिन सर कहानी शुरू करेंगे, 10 सेकंड में याद करेंगे जल्दी। इकोनॉमिक प्लानिंग, प्लीज, इकोनॉमिक प्लानिंग का अदर नेम 5-year plan, 5-year plan, पंचवर्षीय योजना। इंडिया में पहले नहीं बताया, इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू करी थी पी सी महलोबिस, प्रसन्नता चंद्रा महलोबिस, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, पी सी महलोबिस, प्रसन्नता चंद्रा महलोबिस, इस इकोनॉमिस्ट को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, 5-year plan, और इसने जो इंस्टीट्यूट बनाया प्लानिंग कमीशन, बंदे का नाम क्या था, महलोबिस। अच्छा, इसको हमको थैंक यू बोलना चाहिए, आप जो स्टैट पढ़ते हो ना सिंपलीफाइड, इसने करी, ये इकोनॉमिस्ट भी थे स्टैटिशियन भी थे, अगर ये ना होते हम बड़ी गंदी वाली स्टैट्स पढ़ रहे होते ब्रिटिश वाली, इसने सिंपलीफाई करी, ये जो तू 11th में मैं पढ़ता हूं मीन मीडियन मोड, सिंपलीफाइड करी इसने, महलोबिस ने, ये बंगाली थे, प्रसन्नता चंद्रा महलोबिस। प्लानिंग कमीशन,
किसको बनाया 1950 में, कब बनाया इसने 1950 में। प्लान अगले साल आया जी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान एक साल के बाद, सेकंड 5 ईयर प्लान इंस्टीट्यूट कब बना 50 में। बंदे का नाम पीसी महलोविस, प्लानिंग कमीशन 50 में, ते बंदे का नाम महलोविस जिसने इंस्टीट्यूट बनाया 50 में, बना इंस्टीट्यूट। प्लान एक साल के बाद आया 51, फिर 56, ऐसे करते 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 12 प्लान बने हैं जी, 12 प्लान बने हैं जी 2012 से 17। ये प्लान कब खत्म होना था 17 में, ऐसे याद कर 12 12 12 12, ये खत्म कब हो रहा था 17 में, नरेंद्र मोदी सर ने बीच में खत्म कर दिया, इसमें करप्शन बहुत हो रहा था, 17 की वेट नहीं करी, बीच में खत्म कर दिया गया। फर्स्ट जनवरी 2015 इसको बीच में स्क्रैप कर दिया, 12th 5 ईयर प्लान वॉज स्क्रैप्ड इन द मिड। तो जब ये 12th खत्म करा, प्लानिंग भी खत्म हो गया, प्लान गया प्लानिंग गया, उसके जगह पे नीति आयोग, नीति आयोग, नीति कमीशन, नीति आयोग, नीति योजना कुछ नहीं है जी, नीति आयोग बोलो, नीति कमीशन बोलो, नीति योजना कुछ नहीं है जी। इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, इंस्टीट्यूट प्लानिंग कमीशन 50, प्लान एक साल के बाद 51, पांच साल कितने बने जी 12। 17 में खत्म होना था लेकिन करप्शन की वजह से बीच में खत्म कर दिया, 1 जनवरी 15 को 12 प्लान स्क्रैप, खत्म कर दिया इन द मिड। प्लानिंग चला गया, प्लानिंग गया, उसकी जगह पे आ गया नीति कमीशन, प्लानिंग गया, नीति कमीशन आ गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर नॉट ऑफ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये 5 ईयर प्लान नहीं बनाता, एनुअल प्लान बनाता है, फर्स्ट जनवरी 15 को 12th खत्म, प्लानिंग कमीशन खत्म, नीति की जगह नीति आ गया, एन के फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये 5 ईयर प्लान नहीं बनाता, एनुअल प्लान बनाता है, 5 ईयर नहीं बनाता, एनुअल प्लान बनाता है। 3 बार हमारे पास पैसे नहीं बचे, हमने प्लान नहीं बनाया, प्लान हॉलिडे 51 से लेके 2015 तक चलता रहा, कोई ब्रेक नहीं हुआ, 51-15 तक कोई ब्रेक नहीं हुआ। 3 बार कोई वॉर होगी, फ्लड अर्थक्वेक, 3 बार हम लोग प्लान नहीं बना सके, प्लान हॉलिडे 66-69, 3 साल का ब्रेक। अच्छा, ये जो 3 साल थे हमने 5 नहीं एनुअल प्लान बनाए। दूसरा ब्रेक 79-80 एक साल का, फिर 90-92, 66-69 3 साल का ब्रेक, 79-80 एक साल का, 90-92 2 साल का ब्रेक। याद करना, कल पूछूंगा सचिन सर 66 में क्या हो गया था, 62 में चाइना वॉर, 65 पाकिस्तान वॉर, सर ये क्या मुसीबत आ गई थी, हमारा देश क्यों बिगड़ गया, 62 चाइना वॉर, 65 पाकिस्तान वॉर, 2 वॉर जल्दी जल्दी हो गई, 3 साल में हम गए। 79 में आधी इंडिया में अर्थक्वेक, आधी इंडिया में फ्लड, आधी इंडिया में ड्रॉट, आधी इंडिया पानी में डूब गई, आधी इंडिया सूखा 79। और यहां पे तो एलपीजी बनानी थी, सारे रिसोर्स इकट्ठे कर रहे थे। 62 चाइना वॉर, 65 पाकिस्तान वॉर, बैक टू बैक, फ्लड भी ड्रॉट भी, एलपीजी
है जी, एमरजेंसी कब थी? वो रीजन नहीं था। गुड, ये कह रहा है इसमें जो इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर करी थी नेशनल एमरजेंसी, वो रीजन ही था, बल्कि वो तो चाहती प्लानिंग हो मेरे अकॉर्डिंगली। प्लान ड्रॉप क्यों करेगी? भगवान करे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हम लोग और क्लोज होते जा रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर। अच्छा बात सुनो, अगर प्लान, अब बताता हूं, कल कुछ दो डेवलपमेंट हुई, हम लोग न्यूज नहीं रखते, मत सुनो, अगर ये प्लानिंग अभी भी चल रही होती, एक ब्रेक हो जाता और आ जाता बिकॉज ऑफ कोविड, 2015 में खत्म हो गई। अगर ये अभी तक चल रही होती तो एक ब्रेक और आ जाता, क्योंकि कोविड में हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, एक ब्रेक और होता जी, एक ब्रेक और होता, पहले खत्म हो चुकी है। करीब 5 महीने हो गए रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म नहीं हुई, कल उसके पड़ोसी देश अजरबैजान ने किसी कंट्री पे हमला कर दिया, शाबाश, अब वो देखते कैसे रिटेलिएट करेगा। उसका पड़ोसी देश, इससे हिम्मत आ गई ना, देखो दी रशिया यूक्रेन को काटी आ रहा है, यूएनओ कुछ कर नहीं रहा, यस, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हम तो यूएनओ के बारे में पढ़ते हैं वो तो सिर्फ बुकिश ज्ञान है। एक इंस्टीट्यूट होता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम है वॉर को रोकना। रोक कौन रहा है? कोई नहीं, मजे लेते रहो, उसको तोड़ता रहे। तो अजरबैजान ने, मैंने पूरी न्यूज नहीं देखी, अजरबैजान ने 2 बम गिरा दिए, अब देखते वो रिटेलिएट करेगा, जिस भी गिराए मजा आएगा। इसी के बीच में और मजा आ गया, चाइना और ताइवान आमने सामने हो गए हैं। चाइना और ताइवान जो उसका सो कॉल्ड गुलाम है, उसने आगे दिखाई है ताइवान ने, बेटे अब इंटरफेयर मत करियो, शाबाश। अजरबैजान ने बम गिराए, गुड, देखते वो कैसे रिस्पॉन्स देता है। चाइना और ताइवान, यूएस से कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो प्रियंका बेटा कितनी बार प्लान उड़े हुए हैं? 3 बार, 66 69, 3 साल का ब्रेक, 79 80, 1 साल का ब्रेक, 90 92, 2 साल का ब्रेक, इन तीन को बोलते हैं प्लान हॉलिडे, प्लान हॉलिडे। प्लानिंग कमीशन और नीति कमीशन, प्लानिंग कमीशन और नीति कमीशन का जो चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन, फीमेल को चेयरपर्सन बोलते हैं, चेयरमैन फीमेल को चेयरपर्सन बोलते हैं, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। पहले प्लानिंग कमीशन था, प्राइम मिनिस्टर हेड, अब नीति है, प्राइम मिनिस्टर हेड। उसके अलावा होता जी डेप्टी चेयरमैन, चेयरमैन डेप्टी चेयरमैन, एक सीईओ भी होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एक टॉपिक ये भी बन सकता है प्रोजेक्ट का, नीति आयोग पे शॉर्ट नोट प्रोजेक्ट, यस, एक और अच्छा टॉपिक। फिर तुम लोग गंदे गंदे टॉपिक बनाते हो, जीएसटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बजट, बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज। भाई साहब अगर मैंने चेक करा आपका प्रोजेक्ट, मैं नंबर नहीं दूंगा, मैं तो अपने दिल का पाप बता रहा हूं, अगर मैं आ गया सीबीएसई इन्विजिलेटर बनके, मैं नंबर नहीं दूंगा, 20 में से 10 12 बहुत नखरे हैं, और जिसने ऐसे अच्छे बनाए होंगे मार्क दूंगा। तो नीति आयोग पे शॉर्ट नोट बनता है, प्रोजेक्ट बनता है। इसको इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों करते हैं? 4 ऑब्जेक्टिव है, कोई एक ऑब्जेक्टिव आता है 1 मार्क या 3 मार्क में, आराम से, कितना पर्टिकुलर बता रहा हूं, ये सारे ऑब्जेक्टिव नहीं आते। कोई एक ऑब्जेक्टिव आएगा, नाम लिखा हुआ है, 3 मार्क या 4 मार्क में ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, 5-year plan रेडी, भूल गया, ऑन, घड़ी देखिए 1 मिनट है, गलत जवाब, तेरी मेरी कुट्टी। इकोनॉमिक प्लानिंग 5-year plan का अंकल बोलना, इकोनॉमिक प्लानिंग 5-year plan का अंकल पीसी महलोबिस, फुल नेम प्रसन्ता चंद्रा महलोबिस,
ते इंस्टीट्यूट का नाम प्लानिंग कमीशन इंस्टीट्यूट प्लानिंग कमीशन कब बना 1950 पहला प्लान 51 56 दूसरा 56 61 कितने प्लान बने हैं 12 12 से 17 कितने प्लान बने हैं 12 12 से 17 17 में खत्म होना था 15 1 जनवरी खत्म कर दिया प्लानिंग गया नीति आ गया अब ये एनुअल प्लान बनाता है 5 ईयर नहीं एन की फुल फॉर्म नेशनल नीति पता तेरी क्लास में पढ़ती है नीति 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 मेरी बात पे ध्यान दे नीति भाग जा नीति एन की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पहले था प्लानिंग कमीशन अब इनका नीति हेड कौन होता है बोलना प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन प्लानिंग कमीशन अब नीति आयोग इसका हेड कौन होता है चेयरमैन पीएम डेप्टी चेयरमैन होता है सीईओ होता है डेप्टी चेयरमैन सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसे कंपनीज में होते हैं सीईओ इसका भी सीईओ है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑब्जेक्टिव चार है कोई एक आता है जी ग्रोथ इक्विटी विद सोशल जस्टिस बातें कर लो ग्रोथ इक्विटी या इक्वालिटी इक्विटी का अदर नेम इक्वालिटी विद सोशल जस्टिस मॉडर्नाइजेशन सेल्फ रिलायंस सेल्फ डिपेंडेंस ये चार ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइव ईयर प्लान के याद करियो पहला क्या है ग्रोथ पैसा बढ़े इक्विटी अमीर गरीब में गैप खत्म हो सोशल जस्टिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी सोच बदले फॉरेन कंट्री पे डिपेंड नहीं करना नेशनल इनकम बढ़े अभी प्रॉपर लिखाऊंगा अभी ओवरव्यू दे रहा हूं ग्रोथ नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम जीडीपी स्टैंडर्ड अमीर गरीब में गैप खत्म हो मॉडर्नाइज अच्छी मशीन अच्छी टेक्नोलॉजी हमारी सोच बदले कपड़ों से मॉडर्नाइज नहीं सेल्फ रिलायंस सेल्फ डिपेंडेंस अब्रॉड पे कम डिपेंड करना है या जीरो या तो बिल्कुल नहीं या कम ये चार ऑब्जेक्टिव होते हैं लर्न करने के 10 सेकेंड है जल्दी किसकी ग्रोथ नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम जीडीपी स्टैंडर्ड इक्विटी अमीर गरीब में गैप खत्म हो इक्वल अमीरों को पे टैक्स गरीबों को सब्सिडी अमीरों पे टैक्स लगाओ प्रोग्रेसिव टैक्स गरीब को सब्सिडी मॉडर्नाइज्ड न्यू मशीन सोच बदले सेल्फ रिलायंस सेल्फ डिपेंडेंस फॉरेन में डिपेंड नहीं करना या कम करना है तभी तो इसी के लिए शुरू की गई मेक इन इंडिया स्कीम इसके लिए शुरू की गई है हो गया याद चार ऑब्जेक्टिव कोई एक आता है पता कैसे आएगा फ्रीक्वेंट जिसका आया था यूटी में बोला सचिन सर आप ठीक कह रहे हो पेपर में ऐसा आता है एक्सप्लेन ग्रोथ ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक प्लानिंग जी एक्सप्लेन इक्विटी ऑब्जेक्टिव विद इकोनॉमिक ऐसे आता सर एक्सप्लेन मॉडर्नाइजेशन ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक प्लानिंग सेल्फ रिलायंस ऑब्जेक्टिव और इकोनॉमिक प्लानिंग जी अगर आगे एक्सप्लेन ऑल ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग इसको पेपर बनाना नहीं आता चार में सारे लिखूंगा नहीं 3 मार्क का एक या 4 नंबर का एक सुन लू बोलो सुन रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज अटेंटिव सचिन सर जो बता रहे हैं अब ये मैक्रो आराम से मैक्रो में इंडियन इकोनॉमी में पीएससी तीनों में है जी आराम से आपकी मैक्रो में इंडियन इकोनॉमी बिजनेस हड़ी तीनों में है जी सबसे छोटे को बोलते हैं
माइक्रो इंडस्ट्री, क्या बोलते हैं, माइक्रो स्केल को शब्द नहीं होता, सबसे छोटी इंडस्ट्री माइक्रो इंडस्ट्री, माइक्रो स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आपकी अच्छी अच्छी बातें भी रिकॉर्ड होंगी, करो परेशान। क्या लिखा है, माइक्रो, माइक्रो स्केल नहीं बोलते, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, जहां पे गुड्स बनती हैं, जहां सर्विस बनती है। जिस बिजनेस में 25 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट होती है, माइक्रो, 25 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट, 25 से 5 करोड़, 5 से 10, अबव 10, जिस पे, और ये बात हो रही टोटल इन्वेस्टमेंट, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, रॉ मटेरियल, अगर मैं अकाउंट्स की भाषा बोलूं, फिक्स एसेट करंट एसेट दोनों, टोटल इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट भी करंट एसेट भी, याद कर, 25 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट लगी हुई, क्या बोलते हैं, माइक्रो, 25 लाख से 5 करोड़ स्मॉल स्केल, 5 से 10 करोड़ मीडियम, 10 करोड़ के ऊपर जितनी मर्जी लार्ज, गुड्स, सर्विस में लगा है। एक बात बताओ, ज्यादा पैसे कहां चाहिए, मेरे को मेरी भाषा में जवाब, ज्यादा पैसे कहां चाहिए, ब्रेड बनाने, ब्रेड बेचने में, मैं तेरी बात को मैं घुमाऊंगा, ज्यादा पैसे कहां चाहिए, ब्रेड बनाने बेचने में, ब्रेड बनाने में, ज्यादा पैसे कहां चाहिए, शर्ट बनाने शर्ट बेचने में, शर्ट बनाने में ज्यादा पैसे चाहिए, कार बनाने कार बेचने में, बनाने में तो यहां पे ज्यादा चाहिए, बेचने में कम चाहिए, तेरी बात घूम गई, ये कैमरा बनाने में, कैमरा बेचने में, बनाने में भाई रॉ मटेरियल टूल इक्विपमेंट, वॉच बेचने में, वॉच बनाने में, बनाने में ज्यादा चाहिए, तो सर यहां ज्यादा चाहिए होते हैं, यहां पे कम चाहिए, ये कितनी है, 45, 10 लाख, 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट, 10 लाख से 2 करोड़, 2 से 5 करोड़, अबव 5 करोड़, याद कर, सबसे छोटी माइक्रो स्केल नहीं बोलते, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, थैंक यू, सब अटेंटिव है, छोटी माइक्रो, माइक्रो इंडस्ट्री, माइक्रो स्केल कोई शब्द नहीं होता, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, बनाने में ज्यादा चाहिए, बेचने में कम चाहिए, 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट टोटल, चाहे फिक्स असेट चाहे करंट असेट, रॉ मटेरियल वगैरह, 25 से 5 करोड़, 5 से 10, अबव 10, 25 यहां पे कम, 10, 10 से 2, 2 से 5, अबव 5। अब मेन बात, स्कूल में तो बताइयो आराम से, आपके पेपर में लिखा होगा, अटेंटिव लिखा होगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज, गुड्स में बताओ आराम से। मैं कंफ्यूज होता था, टीचर ने बताया था मेरे को, तेरे साथ नहीं होने दूंगा, आपके क्वेश्चन पेपर में क्लियरली लिखा होगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज गुड्स की बताओ, माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज सर्विस की बताओ, लिखा होगा, अगर सिर्फ लिखा माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज, ये और ये नहीं लिखा, ये मानते हैं। आई रिपीट, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज ऑफ गुड्स, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज ऑफ सर्विस, अगर क्वेश्चन पेपर में सिर्फ लिखा हुआ है हेमंत माइक्रो स्मॉल मीडियम लार्ज, ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, क्या मानते हैं, गुड्स, माइक्रो गुड्स की सर्विस की, स्मॉल गुड्स की सर्विस की, मीडियम गुड्स की सर्विस की, लार्ज गुड्स की सर्विस की, सिर्फ माइक्रो लिखा है, सिर्फ स्मॉल लिखा है, सिर्फ मीडियम, सिर्फ लार्ज लिखा है, ये और ये नहीं लिखा, तो क्या मानते हैं, गुड्स मानते हैं, गुड्स सर्विस कुछ नहीं लिखा तो गुड्स मानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइलेंट केस,
जिस इंडस्ट्रीज में सिर्फ फैमिली मेंबर होते हैं उसे बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री. क्या बोलते हैं? दोस इंडस्ट्रीज विच आर रन बाय ओनली फैमिली मेंबर, देयर इज नो हायर्ड लेबर एट ऑल, किराए की लेबर नहीं है. दोस इंडस्ट्रीज विच आर रन बाय ओनली फैमिली मेंबर आर कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री. अगर बाहर की लेबर होगी तो इसमें क्लासिफाई करेंगे. मैं, मम्मी, पापा, भाई बहन, हम सब मिलके काम करते हैं कॉटेज, क्या बोलते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं देखते. मम्मी पापा भाई बहन मिलके बना रहे हैं मटके, अगरबत्ती, मटके, मटके बोलते हैं पॉटरी, पॉल्ट्री नहीं, पॉटरी. फैमिली मेंबर मिलके बन चलाते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होती. अगर एक भी किराए का बंदा आ गया तो देखेंगे हायर्ड लेबर, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फैमिली मेंबर कॉटेज, हम सब फैमिली. ये बाहर की लेबर आ गई तो देखेंगे यहाँ पे यहाँ कहाँ पे आती है. सुन सकता हूं? हाँ जी सुन रहा हूं. कॉटेज इंडस्ट्रीज आर दोस इंडस्ट्रीज विच आर रन बाय ओनली फैमिली मेंबर, देयर इज नो हायर्ड लेबर एट ऑल. कॉटेज इंडस्ट्री में फैमिली मेंबर देखते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं देखते. नेक्स्ट, सैटरडे को पहले पूछूंगा 10 मिनट, ये भी भेजूंगा स्क्रीनशॉट. अब ऐड हुई ग्रुप, ऐड नहीं हुई, जब पेपर हो देंगे फाइनल उसके बाद ऐड हो जाना. मैंने बोलता इन द क्लास, क्लास आ सैटरडे को पहले पूछूंगा, देन सिस्टम आगे बढ़ाएंगे. और ये जो इसके स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे उसके को क्लास रजिस्टर पे लिखना मत, क्लास रजिस्टर खाली छोड़ना, लिखना मत. ग्रीन रेवल्यूशन से पहले हमारी कंट्री फूड ग्रेन मांगती थी, आज हम लोग वर्ल्ड को खाना देते हैं. ग्रीन, देखो जी विधि, इट इज ऑल फॉर द बेस्ट, जो तो अच्छे के लिए होता है. इट इज ऑल फॉर द बेस्ट. 1965 में हमारी पाकिस्तान की लड़ाई हुई. 1965-62 में चाइना, 65 पाकिस्तान, 71 पाकिस्तान, ये तीन वॉर जल्दी जल्दी हो गई. और हमको अभी आजादी मिली 200 साल के बाद. 62 चाइना हम लोग हार गए थे, 65 पाकिस्तान वॉर हम लोग जीत गए, 71 पाकिस्तान वॉर हम लोग जीत गए, फिर 1999 कारगिल वॉर, चार यहां पर इंसर्ट हो रही है. 62 चाइना वॉर वी डिफीटेड, 65 पाकिस्तान वॉर, 71 पाकिस्तान वॉर, 1999 कारगिल वॉर. भूल गया क्या बता रहा था. हाँ, जो थे नहीं, थैंक यू, कहानी भूल गया. जय भाई, जो तो अच्छे के लिए होता है. 65 में हमारी पाकिस्तान की लड़ाई हुई, अमेरिका ने हमको धमकी दी, मैं एटम बम यूज कर रहा हूं, खाना रोक रहा हूं आपको देने से. कोई अमेरिका से पूछे तेरा चाचा लगता है, मेरी उसकी लड़ाई हो रही है, तू कैसे हमको धमकी दे रहा है. 65 बता तो अच्छा क्या हुआ, 65 में हमारी पाकिस्तान की वॉर, अमेरिका ने थ्रेटन करा हम आपको खाना देने से रोक रहे हैं, खाना नहीं बेचेंगे आपको, और एटम बम यूज करेंगे. तो क्या हुआ, अब्दुल कलाम सर ने बनाया एटम बम. भाई तेरे पास है, हमारे पास नहीं, तभी तो आंखें दिखा रहा है, ले 78 ले बेटा. हमने पहला टेस्ट करा 78 में पोखरण, राजस्थान. अगर वो धमकी ना देता मैं सोया रहता. उसने धमकी दी कि मैं एटम बम यूज कर रहा हूं, हम लोग लग गए. अच्छा तेरे पास है, हमारे पास नहीं है, ले 13 साल में ले बेटे ले. तेरे से हमने स्ट्रॉन्ग बनाया. 78 में पहला हमने टेस्ट करा पोखरण, राजस्थान में, धमकी दी. और दूसरा हमें मना करा था खाना नहीं बेचूंगा,
हमारे लाल बहादुर शास्त्री सेकंड पीएम ने ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। लोगों से, दादी से पूछियो, दादे से पूछियो, लोगों से बोला गया आप मंडे को फास्ट करेंगे, खाना बचेगा, आप और उगाओ। ऐसे डिमांड सप्लाई के गैप को खत्म करा गया। शाबाश, इनकी आत्मशांति मिले। किसी धर्म के लोगों, आप मंडे को फास्ट करेंगे, बच्चों को छोड़ देना कोई बात नहीं, मंडे को फास्ट, तेरी डिमांड कम हो गई, किसान और उगाओ। इतना उगाया आज हम अमेरिका को खाना देते हैं, जो हमको धमकी दे रहा था ना कि खाना दूंगा, आज हम खाना ना दे भूखा मर जाएगा अमेरिका। धमकी दी, एटम बनाया हमने, धमकी दी, ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। और सुना तो आपने स्लोगन, तभी तो दिया था जय जवान जय किसान। सुना आपने स्लोगन जय जवान जय किसान, जवान सोल्जर हम तेरे साथ है, किसान उगा यार